नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। बाबू, जो आपका लोअर का जो वीडियो है, फार्मूले का जो वीडियो है, अगर उसको आपने देखा होगा तो ये प्रश्न समझ में आपके जरूर आएंगे, इस बात का दावा रहेगा। देखिए, स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा होगा, जरा पढ़िए। प्रश्न कहता है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? लंबाई 8 और चौड़ाई 5, यानी जो आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई जानते हो 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब बताओ, जो आयत का क्षेत्रफल हमने बताया था, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यही फार्मूले में पहले वाले वीडियो में बताया है। अब बताओ, 8 गुणे 5 बराबर 8 पंचे 40। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जो आयतन होता है वो घन में आता है, बाकी परिमाप जो है वो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, वो सेंटीमीटर में लिखिए या मीटर में लिखिए, जो भी भुजाएं दे रखी हों। और जो क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आएगा वो वर्ग में आएगा। काहे में आएगा? वर्ग में। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख करके ऐसे दो ऊपर लिख सकते हैं, तो क्या पढ़ा जाएगा? 40 सेंटीमीटर। तो भैया, ऑप्शन नंबर आपका ए जो 2 है वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसी आयत की लंबाई 0.6 मीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा है जो आयत की जो लंबाई बाबू है वो 0.6 मीटर है और जो चौड़ाई है वो जानते हो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अब बताओ, ये भैया आपका सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, जब तक दोनों यूनिट एक जैसे नहीं होंगे तब तक आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो एक बात बताओ, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 0.6 को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर हो जाएगा है? यानी एक स्थान बाद अगर हम पॉइंट रखते हैं तो कितना होगा? 60 सेंटीमीटर हमारी लंबाई आ गई। अब बताओ, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 60 गुणे 20, तो 2 × 12 और ये 2 0, बताओ कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। 1200 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्ग की भुजा 11 मीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। तो वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की भुजा भैया जानते हो कितने मीटर है? 11 मीटर है। अच्छा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 11 गुणे 11 और 11 11 की गुणा होती है 121। क्या होती है? 121 वर्ग मीटर हो जाएगी। अब कहता है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे 11 तो 44 मीटर। देखिए, परिमाप काहे में आया? वर्ग मीटर में। और जो क्षेत्रफल आया वो वर्ग मीटर में आया, परिमाप काहे में आएगा? मीटर में। तो भैया 121 मीटर आया आपका क्षेत्रफल और परिमाप आया 11। तो बताओ ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? भैया इसमें सही होगा 4 नंबर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो भैया कमरे की जो लंबाई है, कमरे की जो लंबाई है वो कितने मीटर है और चौड़ाई कितने मीटर है और ऊंचाई कितने मीटर है, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। क्या है? 10 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर। 10 मीटर और भैया 5 मीटर और 3 मीटर। हाँ, तो कमरे का जो क्षेत्रफल है वो जानते हो क्या होता है? कमरे का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये होता है।
अब बताओ दो लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 5 और गुणे ऊंचाई कितनी है 3। अब बताओ 3 × 2 = 6, हमने इसकी इसकी गुणा कर ली, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 15, तो 15 × 6 = 90 वर्ग मीटर हो जाएगा, 15 × 6 = 90 वर्ग मीटर हो जाएगा। बताओ भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 18 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। अब की बार जो है आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर है कितना 396 वर्ग मीटर, कितना है 396 वर्ग मीटर, और चौड़ाई जो है वो 18 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 18 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, हमें निकालना किससे है? आयत के क्षेत्रफल से ही। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। अब हमारे पास चौड़ाई दे रखी है, लंबाई को पता नहीं है, तो लंबाई हमने एक्स कर ली। अब बताओ 18 ये हुआ और 396, रेखीय समीकरण अगर आपने पढ़ा है तो ऐसे प्रश्न हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बताओ x बराबर 396/18, तो 18 × 2 कितने होते हैं 36, कितने होते हैं 36, और यहाँ पर कितने बचे 3, यहाँ पर कितने हो गए 36, फिर 18 × 2 = 36, तो भैया जो लंबाई आई आपकी वो 22 मीटर आई और चौड़ाई 18 मीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? 1 नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है? अब देखिए वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो वर्ग का परिमाप दे रखा है कितना है 36 मीटर है। अब हमें भाई क्षेत्रफल जब ही निकाल पाएंगे जब हमारे पास भुजा होगी, तो क्या करेंगे, वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 × भुजा, क्या होता है 4 × भुजा, और इसका जो है मान वो कितना है 36, तो 4 × भुजा है ना, तो भैया 4 × 36, तो बताओ भुजा कितनी आ गई आपकी, भुजा आ गई 9 मीटर, कितनी आ गई 9 मीटर। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भैया 9 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 9×9 = 81 वर्ग मीटर आंसर आपका आ जाएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर जो है कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 14 मीटर लंबे और 12.5 मीटर फर्श बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो भैया फर्श की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 14 मीटर, कितने मीटर है 14 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 12 सही 1/2, या आप इस प्रकार लिख सकते हैं इसको 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। अच्छा एक बात बताओ और क्या कहता है, कहता है जो एक ईंट की जो लंबाई है, एक ईंट की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ आपकी मीटर में है और ये चीज़ आपकी सेंटीमीटर में है, तो ईंटों की जो संख्या होती है, ईंटों की संख्या बराबर क्या फार्मूला होगा, आयताकार है ना, तो आयताकार क्या होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल और बटे एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताओ फर्श काहे में है, मीटर में है, अगर हम 100 से इसको गुणा कर देते हैं तो सेंटीमीटर में होगा नहीं होगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर में होते हैं, तो लंबाई ये हो गई आपकी, चौड़ाई हो गई 12.5 और गुणे 100, इसलिए क्योंकि भाई मीटर में है, हमें बदलना काहे में सेंटीमीटर में, तो बटे 10 × 7, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 × 2 = 14, ठीक है, 7 × 2 = 14, ध्यान दीजिए 2 × 5 = 10,
और दो दूनी चार, एक पाँच, दो इकन्ना दो, दो जीरो ये और एक जीरो ये, तीन जीरो लगा दीजिए और एक स्थान बाद पॉइंट है ना, एक स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, इसका मामला खत्म हो जाएगा। तो 25,000 ईंटें लगेंगे। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा जरा देखिए, ऑप्शन नंबर जो है आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर आठ देखिए, प्रश्न नंबर आठ कहता है 14 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका कोई ऐसे आयताकार खेत रहा होगा बाबू, ये आपका कोई खेत रहा होगा, ये कहता है, जानते हो क्या कहता है, इस प्रकार से कोई खेत रहा होगा, ये कहता है इसकी जो है 14 मीटर लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है, 10 मीटर क्या है चौड़ाई है, ये कहता है ठीक है। अब क्या कहता है, इसके अंदर जो है 1 मीटर रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1 मीटर इधर है और 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, कहता है तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। एक काम करिए, पहले ये पूरे खेत का क्षेत्रफल क्या करता है, जो आयताकार है तो जाहिर सी बात क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए 10 × 14, अब इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, अब देखिए आपका जो खेत है ये खेत बनाना, यहाँ पर तो रास्ते कट गए, तो 1 मीटर इधर कम हुआ, 1 मीटर इधर कम हुआ, तो बताओ कितना कम हुआ, यहाँ पर 2 मीटर, कितना कम हुआ 2 मीटर, 14 मीटर था 2 मीटर कम रह गया, एक इधर गया एक इधर गया, तो बताओ ये कितना रहा 8 मीटर, कितना रहा 8 मीटर, 14 × 14 और 14 × 0 = 0, 12 × 8 = 96, 140 से 96 जाएंगे कितना बचेगा 44, तो जो रास्ते का क्षेत्रफल रहेगा वो 44 वर्ग मीटर रहेगा। अब बताओ ऑप्शन कौन सा होगा इसका, भैया 2 होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 9 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। देखिए ये आपका कोई इस प्रकार से खेत रहा होगा, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है भैया 16 मीटर, कितनी है 16 मीटर, और ये कितनी है ये 20 मीटर है, कितनी है 20 मीटर। अच्छा इसके जो चारों तरफ इस प्रकार से कोई रास्ता रहा होगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, अब बताओ भाई डेढ़ इधर बढ़ा और डेढ़ उधर बढ़ा, तो लंबाई कितनी बढ़ जाएगी 3 मीटर, यानी 23 मीटर हो गया। अब बताओ 16 में डेढ़ इधर बढ़ेगा डेढ़ इधर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा भैया 19, अब पुरानी बात कह रहा है पुराना घटा दीजिए हो जाएगा आपका, तो 20 × 16, अब देखिए 19 तिया कितने होते हैं 57, हासिल लगे 5, 19 दूना 38 और 5, 38 5 43, कितना हुआ 43, और 16 दूनी 32, ठीक है 16 दूनी 32 कितना बचा 7, और यहाँ कितना बचागा 117 वर्ग मीटर जो है आपका रास्ता हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, देखिए जब यहाँ से ये भैया 16 थी आपकी, बताओ डेढ़ इधर बढ़ी और डेढ़ इधर बढ़ गई, तो कितना हुआ 3 बढ़ गई ना, तो 16 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 19 होगा। अब देखिए डेढ़ इधर बढ़ी डेढ़ इधर बढ़ी, कितना बढ़ा 3 बढ़ा ना, तो 3 किस में जोड़ेंगे 20 में जोड़ेंगे ना, तो भैया ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का जो आयतन है वो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तो भैया 10 × 5 × और कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भैया जरा देखिए 20 × 10 = 5, तो लंबाई कितनी है 20 और 10 और 5, ठीक है तो 5 × 2 = 10, 10 ये 10 ये, तो भैया हमने 3 जीरो लगा दिए ना, तो 1000 घन सेंटीमीटर होगा, देखिए घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर जो है 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक हाल
54 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है, उस बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थरों की संख्या बताइए जो कि हाल को पूरा पूरा ढका जा सके। देखिए 54 मीटर जो हाल है वो लंबा है, क्या है लंबाई कितनी है 54 मीटर, ठीक है 54 मीटर, और जो चौड़ाई है वो क्या है 36 मीटर है। अब कहता है बड़े से बड़ा पत्थर बताना है, क्या कहता है बड़े से बड़ा पत्थर। अब एक बात बताओ, जब भी बड़े से बड़ी की बात करे तो समझ जाना सबसे पहले भैया हमें निकालना होगा मासा, क्या निकालना होगा मासा। तो 36 करना, 36 कितना बचा 18, और क्या करेंगे 36 ये इधर लाएंगे, 18 दूनी 36, यानी जो भुजा होगी उसकी वो 18 मीटर की होगी, कैसा होगा वर्गाकार होगा, कैसा होगा वर्गाकार होगा पत्थर भैया। अब कहता है पत्थरों की जो है संख्या बतानी है, तो एक बात बताओ पहले सबसे पहले क्या करेंगे उस हाल का क्षेत्रफल, जो हाल है वो आपका कैसा हाल है आयताकार है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, यही आपका जो है फार्मूला रहेगा। तो भैया 54 गुणे 36 और बटे 18 गुणे 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 दूनी 6, जो पत्थरों की संख्या आएगी वो 6 आएगी। दोस्तों एक बात बताओ, जो हमने लोअर का वीडियो बनाया था अगर आपने देखा होगा तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और हाँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो भैया लाइक करिए, ना अच्छा लगे डिसलाइक करिए। और एक विनती आपसे ज़रूर है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वीडियो शेयर ज़रूर करिए, चाहे आप नए व्यूअर्स हों या पुराने व्यूअर्स हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।